हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्कशीट संशोधन करवाने में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको मार्कशीट संशोधन करवाना है, क्योंकि मार्कशीट संशोधन करवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आपकी मार्कशीट संशोधित नहीं होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम आपको बता देंगे कि किस तरह से मार्कशीट में संशोधन करवाना है, क्योंकि दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें कि बताया था कि किस तरह से आप यूपी बोर्ड की मार्कशीट में संशोधन करवा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी लोगों का यही कमेंट था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो आज की इस वीडियो में चलिए आपको डिटेल से बताते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना पड़ेगा जब आप संशोधन करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपका है UP MSP, जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तो जो अपलोड किया जाने वाला प्रपत्र है वह आपका क्या क्या लगेगा। तो देखिए, आपका जो भी मार्कशीट वगैरह प्रमाण पत्र वगैरह जारी करना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही पॉइंट दिया गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्याचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एक एप्लीकेशन आपको चाहिए होगा जो कि उस पर उनका हस्ताक्षर वगैरह होना चाहिए, तो वह चीज़ होना चाहिए। दूसरा जो है कि DIOS द्वारा जो प्रति हस्ताक्षरित TC आपको मिली है वह चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो TC आपका DIOS द्वारा मिला है। उसके अलावा परीक्षा फल अगर अपूर्ण रह गया है या अनुपस्थित आपको दर्शा दिया गया है कि परीक्षा में आप अनुपस्थित वगैरह थे, तो उसका जो है कि उपस्थित रहने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अन्यथा यह सब अगर नहीं है, अनुपस्थित वगैरह नहीं दिखाया गया है, तो यह चीज़ आप छोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपका परीक्षा फल अपूर्ण है, आपको अनुपस्थित दिखा दिया गया है, तो वहाँ पर आपको उपस्थित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके अलावा जो है कि जो कि प्रधानाचार्य द्वारा जो है कि उपस्थित पत्रक भी दे सकते हैं, जो कि प्रधानाचार्य द्वारा उस पर जो है कि प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो यह चीज़ आप दे सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको नाम वगैरह में संशोधन करवाना है तो उस स्थिति में आपको जो है एफिडेविट देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और एफिडेविट आपको देना पड़ेगा नाम संशोधन कराने के चक्कर में। अगर आपको नाम संशोधन करवाना है तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूरी है, तो यह चीज़ आपका लगेगा। उसके अलावा परिषद द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वहाँ पर आपको लौटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो परिषद द्वारा आपको त्रुटिपूर्ण जो है कि मूल प्रमाण पत्र मिला है उसको जो है कि आपको जो संबंधित आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर आपको उसको लौटाना होगा और वहाँ से जो है कि आपको सत्यापित प्रमाण पत्र लेना होगा, तो यह चीज़ आपको करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि। जी हाँ दोस्तों, 9वीं और 11वीं में जो आपने पंजीकरण किया है उसका जो है कि आपको प्रतिलिपि लेनी है। अगर आप 10 का संशोधन करवा रहे हैं तो 9 का लेना पड़ेगा और 12 का करवा रहे हैं तो 11 का जो है कि आपको पंजीकरण लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो है कि आपको परीक्षार्थी का पहचान पत्र लेना पड़ेगा। पहचान पत्र में आप आधार ले सकते हैं, इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र ले सकते हैं या किसी पहचान पत्र जो कि अन्य पहचान पत्र है कोई भी, वह आपका होना चाहिए, उसमें आपका फ़ोटो वगैरह होना चाहिए, तो वह चीज़ आपको ID ले लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि यह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है, उसके बाद ही जो है कि यह आप जो है मार्कशीट संशोधन के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि यह सब चीज़ें आपकी लगती हैं और वहाँ पर मांगी जाती हैं, तो यह सब चीज़ें आप बनवा लीजिएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट लगता है। अब काफ़ी लोगों का यह कमेंट आएगा दोस्तों कि क्षेत्रीय कार्यालय हम कैसे पता करेंगे कि हमारे यहाँ का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो चलिए उसको भी बता देते हैं। तो देखिए, जब आप UP MSP वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर नीचे साइड में देखेंगे तो दिया भी गया है
जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय जो प्रयागराज में बना है वह कहाँ कहाँ के लिए है, तो लिखा गया है यहाँ पर केवल लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली हो गया, कानपुर हो गया नगर, कानपुर देहात, फरुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, हमीरपुर, मादा बांदा हो गया, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी हो गया। तो यह सब का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह प्रयागराज है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में देखिए आपका सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, बाराबंकी हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, अमेठी हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया। तो यह सब क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ का है, तो यह वाराणसी का है। वहीं पर अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में आपका फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा वगैरह आ जाएगा। तो यह सब जो है कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। उसके अलावा नीचे देखेंगे तो बहुत सा जो है कि क्षेत्रीय कार्यालय दिया गया है, आप जो है किसका स्क्रीनशॉट ले करके आप देख लीजिए कि आपका जो है कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पड़ रहा है। और यह सब चीज़ें जो हैं वह आप UPMSP की वेबसाइट जो है उस पर जाएंगे तो उसी पर से हम यह बता रहे हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों नीचे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है कि आवेदन किस दिन में हो जाएगा वह चीज़ लिखा गया है। अगर आपको मूल प्रमाण पत्र जारी करवाना है तो 30 दिन में के अंदर होगा। अगर आपको प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि लेना है तो यह भी 30 दिन के अंदर होगा। अगर आपको मूल अंक पत्र लेना है तो 15 दिन के अंदर होगा। मूल अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि लेना है तो यह भी 15 दिन के अंदर होगा। तो यह यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।